नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे रोलर मील के बारे में। जो रोलर मील होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करती है। तो रोलर मील जो इसको नाम दिया गया है वो रोलर्स के कारण दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हम सिलेंड्रिकल रोलर यूज करते हैं जो ओपोजिटली यूज किए जा सकते हैं, मीन्स एक के सामने, या फिर वो फ्लैट कोई प्लेट हो और उसके ऊपर भी यूज किए जा सकते हैं। तो रोलर मील हमारी कौन कौन से कंपोनेंट से बनी होती है और उसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके पार्ट्स। तो जो इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर होता है होपर, ये है होपर। इसके अंदर से जो रॉ मटेरियल है उसको क्रश करने के लिए आगे ले जाया जाता है। रोलर मील का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा मटेरियल होता है उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर कोई भी मटेरियल यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है, ये और इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे हमें कच्ची धातु जो जैसे कोयला है उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या फिर इसको दवाइयाँ जहाँ पे हमें क्रश करनी है पाउडर फॉर्म में बनानी है वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। तो कहीं भी इसका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज किया जा सकता है। तो ये है होपर, जहाँ से रॉ मटेरियल जो है जो कि हमें क्रश करना है वो यहाँ से डाला जाता है। और उसके आगे नीचे यहाँ पे साइड में दो रोलर लगे होते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो एक रोलर है वो तो होता है फिक्स, एक रोलर फिक्स होता है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, उस मीन्स उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। दूसरा जो रोलर होता है वो होता है एडजस्टेड रोलर, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इस रोलर के पास ले जा सकते हैं और इसको दोबारा से दूर ले जा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का गैप हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बना सकें, जितनी हमें पाउडर फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं जितनी बारीक हमें मिल के अंदर वर्किंग चाहिए तो इस रोलर के एडजस्ट करने से वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे होता है कंट्रोल गेट। कंट्रोल गेट इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जो यहाँ से रॉ मटेरियल आता है ये उसको इधर उधर बिखरने नहीं देता और कंट्रोल करके आगे रोलर्स के इन पे देता है यहाँ पे, ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। तो कंट्रोल गेट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कंट्रोल करता है रॉ मटेरियल को, ताकि वो इजीली इन दोनों रोलर के बीच में जा सके। यहाँ पे लगा होता है मैग्नेट, काफी सारे मैग्नेट्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इनका काम क्या है, जो रॉ मटेरियल आएगा उसके अंदर कोई आयरन से रिलेटेड पार्टिकल ना हो तो ये मैग्नेट उनको पकड़ लेता है और जो साफ मटेरियल है वो आगे चला जाता है। तो आयरन से रिलेटेड जो भी चुंबकीय से प्रभावित होते हैं क्षेत्र से, तो यहाँ पे वो कैच हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर बाद में इसको साफ कर लिया जाता है और बाकी का जो मटेरियल है उसको आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पे लगा होता है एजिटेटर। एजिटेटर का फंक्शन होता है एक स्टीरिंग एक्शन प्रोवाइड करना। जिस तरह से हम दूध के अंदर चीनी को मिलाते हैं, इसी तरह से एजिटेटर यहाँ पे काम करता है कि जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे इकट्ठा ना हो, एक जगह पे वो फिक्स ना हो जाए, जम ना जाए, तो उसको एजिटेट करता रहना पड़ता है ताकि वो आगे जाता रहे, तो वो उसको अच्छी तरह से स्टीर करके आगे भेजता रहता है। तो ये एजिटेटर का फंक्शन है कि स्टीरिंग एक्शन प्रोवाइड करता रहता है मेटल को, ताकि वो एक जगह इकट्ठा ना हो पाए और आगे आगे चलता रहे। तो देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा एडजस्टेड रोलर है और फिक्स्ड रोलर है, ये हमारे अलग अलग स्पीड के ऊपर चलते हैं, या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इनको एक स्पीड पे भी चला सकते हैं। एक को वैसे ज्यादा स्पीड पे चलाया जाता है और एक को लो स्पीड पे चलाया जाता है, या फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको सेम स्पीड पे भी चलाया जा सकता है। तो मोटर से ऑपरेट होने के कारण इन दोनों रोलर्स को चलाया जाता है और ये दोनों रोलर अपना रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये एजिटेटर भी काम करना स्टार्ट करता है जैसे ही रॉ मटेरियल ऊपर से आता है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल ऊपर से आता है वो इन मैग्नेट से गुजरता हुआ, जो भी हमारे आयरन से रिलेटेड पार्टिकल हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो आगे मटेरियल जाता है एजिटेटर उनको एजिटेट करके एक स्टीरिंग एक्शन दे के या कंट्रोल गेट के थ्रू वो सीधे इन रोलर्स के बीच में गिरते हैं, और यहाँ पे वो बारीक पाउडर के अंदर, जितना कि इनका गैप हमें मेंटेन किया होता है, तो बारीक पाउडर में वो कन्वर्ट होते हैं और वो नीचे जाके आगे इकट्ठा होते हैं, उनको आगे हम फर्दर वर्किंग के लिए भेज सकते हैं कन्वेयर के थ्रू। तो इस तरह से जो हमारी रोलर मील है वो काम करती है। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि वो किस तरह से काम करती है। तो ये थी रोलर मील, उसके कुछ पार्ट्स और उसकी वर्किंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल
लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।